हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होगा नरेशंस। नरेशंस का मतलब होता है बच्चों कथन, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कोई भी वाक्य। कथन नरेशंस, इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नरेशंस को हम स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वे होते हैं जब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के ही शब्दों में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वो सेंटेंसेस हमारे डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। जैसे He said to me, inverted comma, you are looking smart today. He said to me, you are looking smart today. यहाँ ये सेंटेंस पूरा की पूरा क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला और एक होता है हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला। जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमास से पहले है इसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पार्ट हमारा इन्वर्टेड कोमास के अंदर है इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। इसे रिपोर्टिंग क्लोज भी कहा जा सकता है, इसे रिपोर्टेड क्लोज भी कहा जा सकता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यही इसकी पहचान है कि आपके सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है। इसके बाद यहाँ देखिए कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के ही शब्दों में ज्यों का त्यों लिख दिया जाए। यहाँ कहने वाला कौन है, ही। यहाँ बात को कह रहा है ही, किससे कह रहा है, मी से कह रहा है। किससे कह रहा है, मी से, यानी मुझसे कह रहा है। तो जब कोई भी व्यक्ति मुझसे कुछ कहने के लिए किस प्रणाम का यूज़ करेगा, यू का, किसका यूज़ करेगा, यू का, तो ये इसी के द्वारा कहे गए शब्द हैं। तो ये होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। हमारा जो दूसरा टाइप है किसका, स्पीच का, नरेशन का, जो हमारा दूसरा टाइप है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता के शब्दों में न लिखकर श्रोता स्वयं के शब्दों में लिखता है, ऐसा सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। यानी मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा, ये हमारा सेंटेंस जो है ये वाला रिपोर्टेड स्पीच, ये किसके अकॉर्डिंग है, हमारे स्पीकर के अकॉर्डिंग है। और जब इसको ये अपने अकॉर्डिंग लिखेगा तो ये कैसा बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। जैसे कि यहाँ हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई was looking smart that day। ये हमारा हो गया चेंज। यहाँ देखिए एक चेंज यहाँ हुआ है, दूसरा चेंज यहाँ हुआ है, तीसरा चेंज यहाँ हुआ है, चौथा चेंज यहाँ हुआ है और पांचवा चेंज यहाँ हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ समझिए कि सैड से ये किस तरह से टोल्ड में बदला, किस तरह से सैड से ये टोल्ड हुआ, क्या कारण था इसके टोल्ड होने का। देखिए जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो बात कहने के बाद उसके तुरंत बाद वह पास्ट में चली जाती है, बात पुरानी हो जाती है। तो यहाँ तो मतलब क्या निकलता है, कहा। यहाँ क्या निकलता है, इसका मतलब कहा। लेकिन जब ये कहेगा इस बात को, यानी कौन, ऑब्जेक्ट कहेगा इस बात को, तो वो क्या कहेगा, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया, तो क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। कनेक्टिव के रूप में हम दैट लगाते हैं। कनेक्टिव क्या है बेटा, आपको बता दूं, योजक शब्द इन्हें कहते हैं।
और देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मेरी पहली वीडियोज़ में ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमारे सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग टू वर्ब फाइव टाइप्स होते हैं, जिन्हें फर्स्ट है असर्टिव, सेकंड है इंटरोगेटिव, थर्ड है इम्परेटिव, फोर्थ है हमारा ऑप्टेटिव और फिफ्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। अब जो पांच टाइप हमारे सेंटेंसेस के, पांचों टाइप से ही हमारे डायरेक्ट से क्या बनते हैं, इनडायरेक्ट बनते हैं। पांचों के पांचों टाइप में ही क्या बनते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते हैं। तो पांचों के पांचों टाइप में ही हम अलग अलग तरीके से ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, अलग अलग तरीके से ही हम सैड को चेंज करते हैं पाँचों टाइप में, और अलग अलग तरीके से ही हमारे जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं उनका यूज़ हम करते हैं। पाँचों टाइप में अगर कुछ सेम रहता है तो वो सेम रहता है हमारा 1, 2 and 3, यानी यहाँ देखिए प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, यहाँ देखिए टेंस रिलेटेड चेंज और टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज। ये जो तीन चेंजेस हैं हमारे, ये पांचों के पांचों टाइप में सेम रहते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं आता, इनका जो नियम है वही रहेगा। और जो है हमारे सैड से रिलेटेड और कनेक्टिव से रिलेटेड, ये पांचों टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं इनमें अलग अलग तरीके से होते हैं, हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले आता है हमारा सैड रिलेटेड चेंज, फिर आता है कनेक्टिव रिलेटेड चेंज, फिर आता है हमारा प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, और फिर आता है हमारा टेंस रिलेटेड चेंज, और फिर आता है टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंज। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन को देखते हैं। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, सेट टू रिलेटेड और कनेक्टिव रिलेटेड, इन दोनों को हम एक साथ ही पढ़ते हैं, सेट टू रिलेटेड और कनेक्टिव रिलेटेड, किस तरह से इनमें चेंजेस होते हैं। टोटल पांच चेंज हैं, पांच के पांच चेंज हम पढ़ेंगे, देन इनके एग्जाम्पल्स हम करेंगे। देखिए यहां देखते हैं हम, सबसे पहले हमारा सेंटेंसेस का जो फर्स्ट टाइप है कौन सा, असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेस में से टू, सेज टू और सेड टू। से टू को हम चेंज कर देते हैं टेल में, सेज टू जाएगा टेल्स में, और सेड टू हो जाएगा टोल्ड में। से टू टेल में, सेज टू टेल्स में, सेड टू टोल्ड में। कनेक्टिव के रूप में हम यूज़ करेंगे यहाँ दैट, क्या यूज़ करेंगे, दैट कनेक्टिव के रूप में लगेगा यहाँ पे दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखिए इन योर रिपोर्टिंग वर्ब, इन योर रिपोर्टिंग वर्ब, यदि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ही आप क्या करेंगे, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड को टोल्ड में बदलेंगे। टू का मतलब क्या है, टू का मतलब है कि इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए इनमें टू लगा हुआ है, अगर इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनमें टू नहीं आएगा। तो केवल असर्टिव में ये नियम है कि से के बाद ऑब्जेक्ट है या सेज के बाद ऑब्जेक्ट है या सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप चेंज कर सकते हो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सैड टू को टोल्ड में। यदि सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी टू लग के कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, टू नहीं लगा हुआ है, तो आप सैड को चेंज नहीं करोगे, तब क्या रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा, तब हम सैड में कोई चेंज परिवर्तन नहीं करेंगे। यानी सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहेगा, और से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेल में नहीं, सिर्फ से किस में रहेगा, से में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। कनेक्टिव के रूप में क्या लगेगा, दैट लगेगा। ऐसा केवल असर्टिव सेंटेंसेज में होता है, कैसे किस में होता है, असर्टिव सेंटेंसेज में होता है। आप ध्यान दें इस चीज़ पे कि यदि से, सेज या सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है देन ही हम इनको टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज करते हैं, नहीं तो चेंज नहीं करते हैं। सेकेंड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में से, सेज या सेड, इनको हम चेंज करेंगे आस्क, आस्क्स और आस्क्ड में। कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे हम इफ, वीदर या डब्ल्यू एच वर्ड, इफ वीदर या डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, देखिए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो तीन तरह से स्टार्ट होते हैं, वो यहाँ देख लीजिए आप। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब से,
प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब से, दूसरे होते हैं मॉडल्स एक्जुलरी वर्ब से, और तीसरे स्टार्ट होते हैं हमारे डब्ल्यू एच वर्ड से। देखिए यहाँ प्राइमरी और मॉडल इनमें से जिससे भी स्टार्ट हो रहा है आफ, इफ या वीदर का यूज़ कर सकते हैं, इफ या वीदर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है किससे, डब्ल्यू एच वर्ड से, तो आपका कनेक्टिव क्या रहेगा, तब आपका कनेक्टिव रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड, क्या रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड, वही डब्ल्यू एच वर्ड आपका कनेक्टिव रहेगा जिससे आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है। और अगर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब और मॉडल्स एक्जुलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इफ या वीदर में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये तीसरा जो है हमारा वो होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में मैं आपके बताऊँ, इंपरेटिव सेंटेंसेस आपके तीन तरह से स्टार्ट होते हैं। इंपरेटिव में देखिए एम वी फर्स्ट से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से, या लेट से। इनको मैंने अलग कैटेगरी में रखा है, लेट लेट्स और लेटस, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। इंपेरेटिव में हम पढ़ेंगे एम बी फर्स्ट फॉर्म, डू या डू नॉट, प्लीज या काइंडली, ठीक है। इनमें जो सैड है हमारा वो चेंज होता है किस तरह से, मोस्टली चेंज होता है ऑर्डर्ड या कमांडेड या रिक्वेस्टेड, और कनेक्टिव के रूप में लगाते हैं हम टू। कनेक्टिव के रूप में क्या लगाते हैं, हम टू लगाते हैं। अच्छा, यहाँ डू नॉट से जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप चेंज करते हो सैड को, मैं सिर्फ डू नॉट के बारे में बात करूँगा, तब आपका सैड जो है वो चेंज होगा फॉरबिड में। किसमें चेंज होगा, फॉरबिड में। अगर आपने डू नॉट में सैड का फॉरबिड नहीं किया है, सपोज दैट आपने नहीं किया है और आपने इन तीनों में से कोई एक यूज़ किया है, तो वहाँ आपका कनेक्टिव कौन से वाले सेंटेंसेज में, डू नॉट वाले सेंटेंसेज में, वहाँ आपका कनेक्टिव हो जाएगा नॉट टू। क्या हो जाएगा, नॉट टू, क्योंकि टू के बाद हम नॉट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है कि आपके इंपरेटिव में एम बी फर्स्ट, डू नॉट और प्लीज़ काइंडली को हम पढ़ेंगे, लेट को हमने अलग कैटेगरी में रखा है, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। और इसमें यहाँ सैड का जो चेंज होता है ऑर्डर्ड कमांडेड रिक्वेस्टेड के रूप में होता है, और कनेक्टिव क्या लगता है, टू लगता है। ध्यान दें, डू नॉट वाले सेंटेंसेज में विच सेंटेंसेज आर स्टार्ट विद डू नॉट, यू कैन चेंज सैड इंटू फॉरबिड। आप वहां सैड को किस में चेंज कर सकते हो, फॉरबिड में चेंज कर सकते हो। एंड अगर बाय द वे बाय मिस्टेक आपने फॉरबिड में चेंज नहीं करके आपने ऑर्डर्ड कमांडेड में चेंज कर दिया है, ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज कर दिया है, तो वहां ध्यान दें आपका कनेक्टिव होना चाहिए नॉट टू। क्या ना होना चाहिए, नॉट टू। और इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है कि नॉट टू कनेक्टिव लग रहा है, इसका रीजन यह है कि टू नॉट से पहले आएगा, बिकॉज टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं इच्छा बोधक, जिनमें इच्छा प्रार्थना कामना आदि को दर्शाया जाता है। मोस्टली इनकी पहचान क्या है कि ये स्टार्ट होते हैं मे से, इनकी पहचान है मोस्टली किससे स्टार्ट होते हैं, ये मे से स्टार्ट होते हैं, और इनमें इच्छा प्रार्थना कामना को बताया जाता है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव में सैड जो होगा हमारा वो चेंज होगा विश्ड या प्रेड में, कर्स्ड भी हो सकता है, विश्ड प्रेड कर्स्ड ये भी हो सकता है, ठीक है। और कनेक्टिव जो होगा वो होगा हमारा दैट होगा, क्या होगा, दैट होगा। और इसके अलावा है हमारा पांचवा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में आपका
या तो सिर्फ आप कीजिए एक्सक्लेम्ड सैड को चेंज, या फिर कीजिए आप एक्सक्लेम्ड विद। अब जो वर्ड आए हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्सक्लेम्ड विद आपको कब लगाना है, जो वर्ड उसमें आएंगे, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड उसमें दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आ गया एच, तो यहाँ करोगे एक्सक्लेम विद सोरो। क्या आ गया? एक्सक्लेम विद सोरो। यहाँ जाता है वाओ, वेल डन, तो करोगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। क्या होगा? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप केवल क्या लिख सकते हो? एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सक्लेम विद सोरो हो जाएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, जो वर्ड्स यहाँ दिए गए होंगे उनके अकॉर्डिंग हमको ये पूरा करना होता है। जो वर्ड्स यहाँ आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा करते हैं। एक्सक्लेम्ड विद याद रखना है आपको, दुख की चीज़ है तो सोरो करना है। ठीक है, आश्चर्य की बात है तो सरप्राइज आएगा, आश्चर्य की बात है तो क्या आएगा? सरप्राइज आएगा। ओके, तो ये था हमारा जो चेंजेस हैं, पाँचों के पाँचों टाइप होते हो गए हमारे चार, और ये पाँच, पाँचों टाइप्स में आपके सेट टू रिलेटेड और कनेक्टिव रिलेटेड के किस किस में क्या क्या आपके कनेक्टिव लगेंगे और किस तरह से आप चेंज करोगे अपने सेट को हर तरह के सेंटेंसेस में। तो ये थे हमारे फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के दो, कौन कौन से? सेट टू रिलेटेड और कनेक्टिव वर्ड रिलेटेड। अभी टर्न है हमारा प्रोनाउन रिलेटेड चेंज को पढ़ने का। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज देखिए, जब आप एक डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो वहाँ केवल प्रोनाउन में ही परिवर्तन आएगा, आप किसी नाउन में चेंज नहीं करोगे, केवल प्रोनाउन में ही आप चेंज करोगे। और प्रोनाउन की चेंज को समझने के लिए सबसे साधारण, सबसे आसान जो तरीका है वो होता है हमारा एस ओ एन बटा 1 2 3। इसका मतलब क्या होता है देखिए, एस ओ एन बटा 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो भी किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, इसमें किसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है? ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और वो भी किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। वो भी किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। और तीसरा क्या है? थर्ड पर्सन, नो चेंज, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं बच्चों? आई वी, और सेकेंड में कौन से आते हैं? यू। 1 2 3 इन तीन प्रोनाउन में ही चेंज होगा। थर्ड पर्सन में जो भी आते हैं, ही सी इट और दे, इनमें देखने की हमको आवश्यकता ही नहीं क्योंकि इनमें नो चेंज है, क्योंकि इनमें नो चेंज है। अब हमें देखना है आई वी और यू, आई वी और यू, इनमें चेंज होगा। ध्यान देना है हमको, आई वी तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए यहाँ ई आ गया और यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद आई है, क्या है? आई। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ ही का तो ही रहेगा, ठीक है, यहाँ कनेक्टिव लग जाएगा, और आई जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ सीता है, ठीक है, और यहाँ आई है, ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो आई हमारा फिर से किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सीता के अकॉर्डिंग, और यहाँ क्या जाएगा चेंज होके? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ध्यान देना है आपको इस चीज़ पे। मान लीजिए, अच्छा एक विशेष बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ ही आए और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाद दे आए, तो यहाँ सॉरी वी आए तो यहाँ दे आएगा, यहाँ फिर आप ही नहीं करोगे चेंज। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि अभी आपने आई में तो ही किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ दे क्यों कर रहे हैं? यहाँ दे बच्चों इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी जो है ये प्लूरल है, ठीक है, और ही कैसा है? सिंगुलर है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो जब हम वी को चेंज करेंगे तो ही का क्या आएगा? प्लूरल यहाँ पे आएगा, और ही का प्लूरल क्या होता है हमारा? दे होता है। क्या होता है? दे, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसे भी, यहाँ ही हो, सी हो, ठीक है, या कोई एक नाम हो तो यहाँ दे ही आएगा, अगर यहाँ वी दे रखा है तो, अगर यहाँ वी दे रखा है तो, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट पर्सन के बारे में। अब बात करते हैं
सेकेंड पर्सन के बारे में, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मान लीजिए मी दे रखा है, यहाँ कॉमन, यहाँ यू दे रखा है, तो यू चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ मी है, यहाँ यू है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, इसका फर्स्ट क्या होगा? यहाँ क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ हर है, यहाँ हर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हम यू को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ध्यान देना है। तो किस क्या समझे आप इससे कि आपके आई और वी, क्या बच्चों? आई और वी वो तो चेंज होते हैं आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, और यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और आपका जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, वो एज इट इज रहता है, ना ही कोई नाउन में चेंज होता है। वापस से देख लेना, सन बटा 123 आपको याद रखना है। इसमें फर्स्ट पर्सन चेंज होगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं, अब हमारा बचा हुआ है एक चेंज, और वो चेंज है हमारा टेंस रिलेटेड चेंज। कौन सा चेंज बचा हुआ है? टेंस रिलेटेड चेंज। देखिए, टेंस रिलेटेड चेंज को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम एक कहानी देख लेते हैं, एक कहानी सुनेंगे हम बहुत अच्छी सी, उस कहानी से के जरिए आपको टेंस रिलेटेड चेंज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इट्स माय गारंटी। तो देखिए, बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति हुआ टेंस, ठीक है, इसके तीन बेटे हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीन बेटे थे इसके, तीनों के चार चार बेटे थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी इसके भी यही चार और इसके भी यही चार और इसके भी यही चार। ये अब देखिए, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? एस एम आर प्लस वी फोर, यहाँ क्या आता है? हैज या हैव प्लस वी थर्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वी फोर, यहाँ आता है हमारा पास्ट के सिंपल में वर्ब की सेकेंड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट, यहाँ आता है वॉज या वर प्लस वी फोर, यहाँ आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ आता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ विल या सेल, यहाँ विल बी या सेल बी, यहाँ विल हैव या सेल हैव, यहाँ विल हैव बीन या सेल हैव बीन प्लस वी फोर। देखिए, यही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं हमारे प्रत्येक टेंस में। देखिए, यहाँ विल सेल, विल सेल, विल सेल, विल सेल, सब जगह विल सेल आ रहा है, तो फ्यूचर की शक्ल बिल्कुल कैसी है? विल और सेल जैसी है। कैसी है? विल और सेल जैसी। यानी कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमें देखकर हमारे डैडी का नाम बता दिया गया होगा लोगों के द्वारा, हम कहीं बाहर निकले हैं तो हमसे कह दिया गया होगा भाई आप उनके हो क्या, तो हमारी शक्ल जब मैच करती है तो हमारे बता देते हैं भाई आप उनके हो, आपके डैडी का नाम ये है, या कुछ संदेह में तो कहते हैं कहीं आप उनके तो नहीं लड़के हो या उनकी लड़की तो नहीं हो, इस तरह से हमारी शक्ल से पहचान हो जाती है हमारी फैमिली की और हमारे डैडी की। तो यहाँ विल सेल जो है ये पहचान है किसकी? फ्यूचर की। किसकी पहचान है? ये फ्यूचर की पहचान है, विल सेल। यहाँ जब देखिए, अब आपके फ्यूचर में सारे जो चारों के चारों टाइप हैं सब में क्या आ रहा है? विल और सेल आ रहा है। क्या रहा है? विल और सेल आ रहा है।
अब देखिए यहाँ कुछ लोग इनके पास गए, इनको बोलते हैं भैया आप इनडायरेक्ट में चेंज हो जाओ, तो ये कहते हैं कि जी हमें इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होना है, हम चेंज नहीं होंगे इनडायरेक्ट में। तो लोगों ने इनको इतना मारा कि इनकी ना शक्ल ही बदल गई, और इनकी शक्ल जो है, इनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो चेहरे थे, मासूम चेहरे, व्हील सेल जैसे, उन पर स्वेलिंग आ गई, और व्हील सेल का क्या बन गया, वुड बन गया। क्या बन गया, वुड। देखिए छोटा सा मुंह था व्हील, लेकिन जब मार लगी उस पर स्वेलिंग आ गई, क्या बन गया, वुड बन गया। ठीक है, तो ये हो गया वुड। और यही इसका चेंज है कि पूरे के पूरे फ्यूचर में जहाँ जहाँ व्हील सेल आते हैं वहाँ वहाँ उनका क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि वुड तो व्हील का हुआ, सेल का क्यों नहीं हुआ सुड? इसलिए नहीं हुआ, सेल का सुड इसलिए नहीं करते हैं हम, पहली बात तो कि सेल जो है आई और वी के साथ आता है। अब आई और वी अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में आएंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वो चेंज भी होंगे, तब उनके साथ वुड लगेगा। दूसरी कंडीशन ये, सेल का सुड हम इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज सुड जो है वो चाहिए कार देता है, मॉडल बन जाता है, वो चाहिए कार देता है, इसलिए वो पूरा की पूरा अर्थ ही चेंज कर देता है, इसलिए हम सेल का सुड नहीं करते हैं। विल और सेल जहाँ जहाँ आएगा हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। जैसे विल बी सेल भी है तो यहाँ वुड भी हो जाएगा, यहाँ विल हैव सेल हैव है तो यहाँ वुड हैव हो जाएगा, यहाँ विल हैव बीन सेल हैव बीन है तो यहाँ वुड हैव बीन हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हुए। अच्छा, यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई इनके साथ प्रेजेंट के साथ। प्रेजेंट के पास भी लोग पहुंच गए, भैया आप इनडायरेक्ट में चेंज हो जाओ। तो प्रेजेंट का थोड़ा कनेक्शन अच्छा था पास्ट से, तो प्रेजेंट जो है वो पूरा के पूरा पास्ट के घर चला गया। किसके घर चला गया, पास्ट के घर चला गया। और यही इसका नियम है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो, वो किस में चेंज हो जाते हैं, पास्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIES आता है तो वर्ब की सेकेंड या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। SMR आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। हैज हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। हैज हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो यही नियम है फ्यूचर का, क्या है कि जहाँ जहाँ विल सेल आए वहाँ वुड करना है, और पूरे के पूरे प्रेजेंट को किस में चेंज करना है, पास्ट में चेंज करना है। तो लोगों ने इन पे दबाव डाला, उस पे दबाव डाला, तो ये कहाँ बसने वाला था। अब इन पे गवर्नमेंट ने केस कर दिया। जब गवर्नमेंट ने केस कर दिया तो गवर्नमेंट ने इनको, देखिए दफा याद रखना इसको 1324, कितनी 1324 के तहत आजीवन इनडायरेक्ट में बने रहने की सज़ा सुनाई। दफा 1324 का मतलब क्या है, इसका मतलब है पहले को आप तीसरे में चेंज करें और दूसरे को आप चौथे में चेंज करें। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और वॉज या वर्ब किस में चेंज होंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चेंज होंगे। पास्ट का तीसरा और पास्ट का चौथा बेटा, ये दोनों बेगुनाह साबित हुए, और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं बदला जाता है। अर्थात बदल तो सकते हैं, लेकिन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहता है, और हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही रहता है। इनमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं। तो पास्ट को डायरेक्ट में बदलने, सॉरी इनडायरेक्ट में बदलने का कौन सा नियम है, कौन सी धारा लगी इस पर, 1324 दफा 1324 के तहत इसको आजीवन इनडायरेक्ट में बने रहने की सज़ा सुनाई गई भारत सरकार के द्वारा। और इसका मतलब क्या है, पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में, यानी पहले को तीसरे में और दूसरे को चौथे में। वापस से रिपीट करता हूँ, फ्यूचर में विल सेल की जगह क्या हो जाएगा, वुड, और प्रेजेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेजेंट पूरा पूरा किसके पास चल जाएगा, पास्ट के पास चला जाएगा, और पास्ट जो है ये 1324 के तहत चेंज हो जाएगा, किसमें, हमारे इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तब। यानी पास्ट का सिंपल किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट का कॉन्टीन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, और इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी पास्ट के तीसरे और चौथे में, पास्ट के परफेक्ट और पास्ट के परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्टूडेंट ये था आपका चौथा चेंज, कौन सा, टाइम एंड सॉरी टेंस रिलेटेड जो चेंज था। टाइम एंड पैलेस रिलेटेड में जो वर्ड्स हैं उनकी पास्ट फॉर्म हम यूज़ में लेते हैं। ठीक है, जैसे टुडे का दैट डे, ध्यान से सुन लीजिएगा इस चीज़ को, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। ठीक है, नाउ और जस्ट का होता है देन, नाउ और जस्ट का क्या होता है, देन होता है। ठीक है, लास्ट का होता है प्रीवियस, ठीक है, नेक्स्ट का होता है फॉलोइंग, लास्ट का होता है प्रीवियस, नेक्स्ट का होता है फॉलोइंग। ठीक है, यस्टरडे को लास्ट डे बोल सकते हो या प्रीवियस डे बोल सकते हो, और टुमारो को नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे आप बोल सकते हो। हेंस का देंस, दिस का दैट, दीज का दोज,
हेयर का देयर एंड थस का होता है सो, हाइदर का होता है थाइदर, ठीक है, और कभी कभी कम का गो भी हो जाता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे टाइम एंड प्लेस रिलेटेड चेंजेस में काम आते हैं। ठीक है, वापस से हम देख लेते हैं, जैसे दिस का दोट, दीज का दोज, हेयर का देयर, और दिस का दैट हो गया, दीज का दोज हो गया, हेयर का देयर हो गया, टुडे का दैट डेट, टुनाइट का दैट नाइट, टुनाइट का क्या हो जाएगा दैट नाइट हो जाएगा, और नाउ और जस्ट का हो जाएगा देन, थस का हो जाएगा सो, लास्ट का हो जाएगा प्रीवियस, नेक्स्ट का हो जाएगा फॉलोइंग, यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे, और टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। ठीक है, और कभी कभी कम का गो भी हो जाता है। तो इस तरह से आपके चेंजेस थे नरेशंस में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको नरेशंस के सारे जो चेंजेस हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अब भी कहीं इसके क्वेश्चंस इनके इनको समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, जहाँ हम इनके एग्जाम्पल करना सीखेंगे किस तरह से हम चेंज करते हैं एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेज में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।